दोस्तों आज मेरे साथ हैं जोगिंदर यादव जी। ये गुजरात के अहमदाबाद सिटी से हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। इनको पिछले 1.5 साल से IBS की प्रॉब्लम थी। इन्होंने बताया था कि इनको GERD हाइटस हर्निया, ACDT थी, इनको UDF आता था यानी कि अनपचा टॉयलेट इनको निकलता था, दूसरा गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, कॉन्स्टिपेशन इनको बहुत रहता था और इन्हें गैस भी बहुत ज़्यादा निकलती थी यानी एंग्जाइटी रहती थी। ठीक, मतलब पूरे दिन ये घबराए हुए रहते थे। ठीक, तो अभी योगेंद्र जी आप ये बताओ कि आपने जब ये दिक्कत आपको शुरू हुई तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते थे और कहाँ कहाँ पे आपने इसका इलाज कराया है, अब कैसा लग रहा है वो बाद में बताइए। शुरू शुरू में सर मेरे को एसिडिटी चालू हो गई। अच्छा। और पेट भी साफ नहीं होता था। हाँ। तो मैं मेडिकल पर जाके एंटासिड वगैरह गोलियां लेता था। अच्छा। और पेट साफ करने की दवाइयां वगैरह चूरन लेता था। तो पेट तो चूरन लेने से मतलब पेट तो साफ होने लगा लेकिन एसिडिटी मेरी खत्म नहीं हुई। अच्छा। तो फिर जैसे मैंने चूरन बंद कर दिया तो फिर मेरा वही हाल हो गया, पेट साफ नहीं होता था। तो फिर मैं जाके वाड़ीलाल हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके मैंने अपना पेट के सोनोग्राफी वगैरह करवाया, तो वहाँ से भी मतलब कुछ दवाइयाँ दी है लेकिन आराम नहीं हुआ मेरे को। अच्छा। फिर जाके मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी करवाया। अच्छा। तो वहाँ से बताया गया तुमको GERD है। अच्छा। GERD का तो बोला तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर दवा से आराम नहीं होगा तो। ओके। तो मैं उनका दवा खाया कम से कम 1.5 महीना जैसा, 1.5-2 महीने जैसा, तो आराम नहीं हुआ तो ऑपरेशन के लिए मैं गया। फिर बोला सर ऑपरेशन कर दो, तो उन्होंने बोला हमारे पास ऑपरेशन नहीं होता है, एक एड्रेस लिख के दिया, वहाँ गया मैं। वहाँ गया तो एक उनका भी 2 महीने दवा खाया, रिपोर्ट को देखा तो, लेकिन वहाँ से भी आराम नहीं हुआ तो बोला। तो वहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया उसने? नहीं, उन्होंने बोला पहले PH मैनोमेट्री की जाँच करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। तो जाँच करवाया, जाँच करवाने के बाद बोला नॉर्मल है, कोई घबराने बात नहीं है, दवा खा आराम हो जाएगा। वहाँ से नहीं आराम हुआ तो फिर सर मेरा वजन कम भी वजन उठाने का था थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को नाभि वाभि को मेरे को कुछ पता नहीं था कि नाभि भी खिंच सकती है कभी। तो फिर सर एक दिन आपका भी ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च मारते मारते आपका वीडियो देख लिया कि वजन खाली पेट वजन उठाने से नाभि। अच्छा। तो फिर मैं आपका वीडियो देखा, फिर आपके पास मैं आने की कोशिश कर रहा था 6 महीने पहले से, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से और घर के लोग के सपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। मतलब घर के लोग क्या बोलते थे? घर के लोग तो पागल बोलते थे। अच्छा अच्छा। कि पागल हो गया है, भ्रम कर लिया है। तो आपको क्या बोलते थे कि ये बड़े बड़े अस्पताल में नहीं हो पाया तो यहाँ पे कैसे हो गया? मतलब नाभि को तो गांव के लोग एकदम मामूली सी बीमारी मानते हैं, लेकिन ये जब पुरानी हो जाती है तो फिर इसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैंने 10-15 बार सेट भी करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब तक क्या है हाथों में सूजन हो जाती है। फिर आपको क्या क्या दिक्कत होती थी? मेरे को फिर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मतलब एंजाइटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा होता था। अच्छा। फिर यहाँ आया तो मतलब 20 दिन ट्रीटमेंट लिया हूँ तो मतलब 60-70% जैसा मेरे को पहले से बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और वजन भी मेरा एकदम से गिर रहा था। जब ये मेरी बीमारी हुई तो मेरे को 78 kg मेरा वेट था आज के 1.5 साल पहले। अच्छा। लेकिन अभी 65 पे आ चुका हूँ। ओके। तो अभी ना तो इनको GERD की शिकायत दिख रही है मुझे, ना तो इनको एसिडिटी है, ना एसिडिटी नहीं है। और UDF आपका? UDF मतलब पहले 30% था तो अभी 1-2% तो कभी खा आ ही जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत खाने पीने में अगर 19-20 होगा तो UDF दिखता है, अदरवाइज इनका टॉयलेट जो है UDF वाला अब नहीं आता है। एंग्जाइटी तो नहीं है अभी? नहीं, एंग्जाइटी नहीं है। गैस कम हो गया? गैस कम हो गया। कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन 70-80% पेट साफ हो जाता है नॉर्मल। 70-80% इनका पेट साफ हो जाता है। तो अभी इनको 20 दिन ही हुआ है ट्रीटमेंट लेते समय, लेकिन इनको कोई काम काम की वजह से बोल रहे हैं कि हमको जाना ही पड़ेगा। मैंने इनको बोला था कि 1 महीना कम से कम ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन इनको कहीं जाना है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो आपने जो भी 70% आपको लग रहा है, हमारे हिसाब से तो और ज़्यादा है, लेकिन इनको पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि कितना परसेंट वो फीडबैक देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये अभी ठीक है। इनको जितनी समस्याएँ थी इसमें से सभी लगभग इनकी क्योर हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको लगेगा तो आपको जो योगा बताया जाएगा, डाइट आपको जो दिया गया है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर लगे 2-4-10 दिन का टाइम निकाल के बीच में आ जाने का। और सर पेट के लिए
पेट का डॉक्टर तो एक गैस की बीमारी अच्छी नहीं कर सकता सर, मेरा मानना है। मेरा मानना है कि पेट का डॉक्टर एक गैस की बीमारी अच्छी नहीं कर सकता है। उनके पास जब जाओ कि कोई को ऑपरेशन कराना होता हो, और पेट के लिए न्यूरोथेरेपी बहुत बढ़िया है, टाइम तो लगता है लेकिन बंदा क्योर हो जाता है। पेट के मामले में न्यूरोथेरेपी से बढ़िया कोई भी थेरेपी नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो लोग यहाँ से क्योर होके जा रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस यही है। और मुझे जब दिक्कत था तो मैंने भी ये पूरी दुनिया देखी है, आयुर्वेदिक वालों की, एलोपैथी वालों की, होम्योपैथी वालों की, सभी चीज़ें हमने ट्राई की, सभी देखी। लेकिन जब न्यूरोथेरेपी कराया उसके बाद ही हमको रिजल्ट आया, उसके बाद ही हमने सोचा कि ये अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो हमारे जैसे बहुत सारे ढेर सारे लोग हैं इस देश के अंदर, वो भी ठीक होने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके लिए काम कर पा रहा हूँ और लोग ठीक हो पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सर ये नाभि की बीमारी जो है ना डायरेक्ट दिमाग पे अटैक करती है सर। हाँ, डायरेक्ट दिमाग को लोग पागल बोलते हैं सर, ये पागल हो गया क्योंकि हमारा जो नाभि है, नाभि अगर हमारी ऊपर की तरफ खिसकी रहेगी ना तो उस इंसान को घबराहट, बेचैनी ये होना ही 100% होगा। ठीक, तो जब तक क्या है कि इन्होंने बताया आपको कि ये 10-15 जगह पर अपनी नाभि सेट करवा चुके थे फिर भी नहीं हो रही थी, क्योंकि देखिए अगर कई महीनों तक आपकी नाभि ऊपर की तरफ खिसकी रहेगी ना, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, तो वहाँ पे आंतों में सूजन हो जाती है, और जब तक हम सूजन नहीं कम करेंगे तब तक नाभि सेट नहीं होती है। तो न्यूरोथेरेपी में मेन काम वही होता है कि आंतों की सूजन को कम करके जो गति है यानी कि आंतों की जो मूवमेंट है उसको ठीक करना, नाभि को सेट करना, उसके लिए फॉर्मूला लगाना, यूडीएफ आ रहा है तो ऐसे पेशेंट का क्या है कि एचसीएल कम हो जाता है पेट के अंदर, तो एचसीएल को बढ़ाना, तो ये सारा काम एक ही जगह पे होता है, यानी कि आपको अलग अलग जगह से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ न्यूरोथेरेपी से ही आपका यूडीएफ ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, आंतों की सूजन ठीक हो गई, नाभि भी सेट हो गई, मतलब ऑल इन वन होता है। ठीक है, तो अभी और कुछ आप कहना चाहेंगे? यही कह रहा हूँ भाइयों, पेट की दिक्कत है तो न्यूरोथेरेपी में आइए, यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा, 1-1.5 महीना 2 महीना लग सकता है, लेकिन क्योर होके जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे वो एंजाइटी की दवा देंगे और डिप्रेशन की दवा देंगे, और खाते रहो और भटकते रहो। हाँ, दूसरा इनको मैंने बोला कि बिना मास्क के वीडियो बनाते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ कारणवश मैं नहीं बना सकता हूँ, तो मास्क लगा के ही बनाऊँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका फीडबैक लेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आप सबके साथ ऐसी घटना हो रही है तो आप लोग आके ट्रीटमेंट करवाइए, 100% आप लोग ठीक होके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।